जो गरीबों का मसीहा होगा उसी को ना वोट दिया जाएगा, और जो गरीबों का मसीहा नहीं उसको वोट देंगे? गरीबों का मसीहा कौन है? पप्पू यादव। पप्पू यादव को क्यों चाहते हैं आप लोग? क्योंकि वो सबसे बेटर नेता है, सबसे अलग, मिट्टी से जुड़ा हुआ है। मिट्टी से जुड़ा हुआ के बाद एक हमदर्द, एक गरीब को दूसरे को जानता है, वो दर्द जानता है एक दूसरे को। किसका माहौल है पूर्णिया में? माहौल तो पहले से बना हुआ, अब बनना क्या है? किसका? यादव जी का, पप्पू यादव का। कौन चाहिए? पप्पू यादव चाहिए। पप्पू यादव के अलावा पूर्णिया में कोई चलने वाला नहीं है। ओनली फॉर पप्पू यादव। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से आपको हम लगातार खबर दिखा रहे हैं कि यहाँ वर्चस्व किसका है, कौन जीत रहा है। इस वक्त हम पूर्णिया रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं और ये देखिए रेलवे स्टेशन है पूर्णिया की और यहाँ के जो जनता हैं, युवा हैं, उनसे बात करेंगे कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में किसका लहर है। क्या नाम हुआ भैया? रमन कुमार। चलिए रमन कुमार जी, कहाँ घर है? रामबाग जी। गाड़ी चलाते हैं जी? तो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में किनका वर्चस्व है सर? दुनिया जानता है, आप नहीं जान रहे हैं? नहीं। पप्पू यादव जिंदाबाद। कैसे? कैसे का मतलब जो गरीबों का मसीहा होगा उसी को ना वोट दिया जाएगा। हाँ। जो गरीबों का मसीहा नहीं उसको वोट देंगे? गरीबों का मसीहा कौन है? पप्पू यादव। हाँ, कन्फर्म कन्फर्म है। आप विकलांग है जी? जी। फिर भी पप्पू यादव को चाहते हैं जी? मदद किए हैं आपको पप्पू यादव? देखिए मदद तो वो सबको किए हैं, हमें किए हैं, हर आदमी को किए, जिसको जरूरत है, जिसको चाहिए मदद उसके पास जाएंगे, तुरंत मदद करेंगे। तो पप्पू यादव का वर्चस्व दिख रहा है आपको? दिख नहीं रहा है, 100% है, 110% 110% कौन? पप्पू यादव जी। पप्पू यादव को क्यों चाहते हैं आप लोग? क्योंकि वो सबसे बेटर नेता है, सबसे अलग, मिट्टी से जुड़ा हुआ है। मिट्टी से जुड़ा हुआ के बाद एक हमदर्द, एक गरीब को दूसरे को जानता है, वो दर्द जानता है एक दूसरे को। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रमन कुमार है। रमन कुमार यादव जी हैं जी? जी। अरे तो यादव लालू यादव के साथ है, लालू यादव का तो यादव टूटे वाला है। यादव नहीं होता, यादव किसी का बात नहीं होता। आप एक बात बताइए, ये जो है पलटू दास है, पलटू दास अभी हम उसको वोट देंगे, अभी बीजेपी के साथ हैं, और उसके बाद जीतने के बाद वो फट से इधर से उधर करेगा तो क्यों देंगे उसको वोट? तो इस बार वोट पूर्णिया में किसको देंगे आप लोग? पप्पू यादव। तो पप्पू यादव बढ़िया नेता है? बेटर नेता है, बढ़िया नहीं, बेटर है। आगे आ जाइए। बेटर है। और नीतीश कुमार के पार्टी से भी है कोई? संतोष कुशवाहा? नहीं, वो नहीं जीतने वाले। संतोष कुशवाहा आप जानते हैं संतोष कुशवाहा को? मेरा घर रामबाग है। हाँ। और रामबाग में उसको कैगो वोट मिलने वाला है? कैगो मिलेगा? एगो बस, वो भी नहीं। एगो इसलिए मिलेगा क्योंकि संतोष कुशवाहा खुद अपने आप को देंगे। अच्छा, और ये बीमा भारती जो है, बीमा भारती? नहीं, वो सब चलने वाला नहीं है, मार्केट में उसका रेट नहीं है। आरजेडी का ना यहाँ वोट है? नहीं भैया, आरजेडी का वोट कहाँ से आएगा, है ना? ओनली पप्पू यादव जिंदाबाद। याद देखिए कहाँ कोई बोल रहा है, सब बोलेंगे। बोली ना बोली लेकिन चली थी यादवे के। पप्पू यादव जी? पक्का। अच्छा, तो ये बोल रहा है पप्पू यादव, बोले हम जीतेंगे तो 10,000 लोगों को हम 5 साल में रोजगार देंगे। सर ये तो वो बोले हैं, अब उसके अनुसार से जितना आएंगे उसके कोटा में रोजगार देने का वो देंगे। तो आपके लिए पप्पू यादव बढ़िया नेता है? मेरे लिए नहीं, हमको लगता है हम गरीबों के लिए सबसे बढ़िया नेता है। पप्पू यादव के साथ हैं आप लोग, देखिए युवा हैं। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में किसका वर्चस्व है? पप्पू यादव का है। पप्पू यादव कैसे? बहुत अच्छा नेता है पप्पू यादव। बढ़िया नेता है, बहुत अच्छा नेता है। अभी तक क्या क्या किए हैं? बहुत चीज किए हैं, गरीब का बहुत हेल्प करते हो। बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और भैया एक प्रॉब्लम क्या बता? हाँ। देखिए होता क्या? हाँ। सब चीज तो है ठीक है। हाँ। लेकिन वोटर आईडी कार्ड नहीं बना आपका? अच्छा, कोई बात नहीं। मम्मी पापा को आप लोग क्या कहेंगे? मम्मी पापा के भी सपोर्ट में है। किनका सपोर्ट में? भाई पप्पू यादव। पप्पू यादव तब पूर्णिया में खेला कर देंगे? पप्पू यादव खेला होगा? पप्पू यादव का खेला हो जाएगा? किसके साथ है? पप्पू यादव। पप्पू यादव आप किसके साथ है? पप्पू यादव। सब पप्पू यादव। पप्पू यादव आप किस? पप्पू यादव। पप्पू यादव। पप्पू यादव चश्मा लगे हैं। कौन है आपका नेता? पप्पू यादव। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमन कुमार झा। अरे अमन मिल गए दोस्त। तो क्या लगता है किसका माहौल है पूर्णिया में? माहौल तो पहले से बना हुआ, अब बनना क्या है? किसका? यादव जी का, पप्पू यादव का। अरे यादव बुर्ज खलीफा जी? बुर्ज खलीफा ने है? काम का राज चल रहा है, जो गरीब का मसीहा, जो सबका सपोर्ट करने वाला है। किसके साथ है?
हम तो पप्पू यादव पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ है और केंद्र में हम बीजेपी के साथ केंद्र में बीजेपी बिहार में के लोग पप्पू यादव बिहार के लोकसभा पूर्णिया में और केंद्र में मोदी चाहिए और केंद्र में मोदी चाहिए लेकिन पूर्णिया को जाप चाहिए। कौन चाहिए? पप्पू यादव चाहिए। आपका नेता कौन? पप्पू यादव। आपका सांसद कौन? पप्पू यादव सब बनेगा, इसके बाद ही केंद्र में जो चले गए मोदी जी का सिवा और कोई दूसरा नहीं। केंद्र में मोदी और बिहार के पूर्णिया लोकसभा में पप्पू यादव, यही ना? ये आपका नेता कौन? आवाज नहीं है। कौन? पप्पू यादव। पप्पू यादव। पप्पू यादव। आपका सांसद कौन? पप्पू यादव। आपका सांसद? पप्पू यादव। आपका सांसद? पप्पू यादव। पप्पू यादव से अच्छा कोई नेता ही नहीं है, तो सब कोई पप्पू यादव को वोट दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूर्णिया में पप्पू के अलावा कोई चलने वाला नहीं है। पप्पू यादव के अलावा पूर्णिया में कोई चलने वाला नहीं है। ओनली फॉर पप्पू यादव। पप्पू यादव। पप्पू यादव। पप्पू यादव। यार देखिए क्या बोल रहे थे भैया, कोई शक है क्या? चलिए गाड़ी चलाइए, रुकिए, चलिए क्या बोले? कोई शक है क्या? हाँ, पप्पू यादव ही जीतेगा। पप्पू यादव ही जीतेंगे। हाँ, एकदम पक्का जीतेंगे, वही कन्फर्म है जी। कोई गलत फहमी में नहीं है आप लोग? आप गलत फहमी में, हम लोग गलत फहमी में, हम लोग क्लियर है। हाँ, क्लियर है। किसका लहर छे? पप्पू यादव का छे। पप्पू यादव के छे? तो खेला हो जाएगा लालू यादव के साथ? खेला हो गया तो होगा क्या? तो आपका सांसद कौन? पप्पू यादव। पप्पू यादव। चलिए, क्या नाम हुआ भैया? इरफान नाम है। क्या माहौल है इस बार पूर्णिया लोकसभा की? माहौल तो यहाँ पे पप्पू यादव का लहर चल रहा है। मुसलमान सब किसके साथ है? मुस्लिम रहे या हिंदू रहे, सब है पप्पू यादव के साथ। पप्पू साथ। हाँ, तो आरजेडी सपोर्ट, लेकिन फिर भी पप्पू यादव को सांसद के लिए सपोर्ट करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा भोकाल। भोकाल? बिल्कुल। मतलब वेब सीरीज है बिहार का। अच्छा अच्छा, तो आप क्या लग रहा है पूर्णिया लोकसभा में? पप्पू यादव। पप्पू यादव। बिल्कुल। आपका सांसद कौन? पप्पू यादव। पप्पू यादव। आपका भैया? पप्पू यादव। क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार। पप्पू यादव। चलिए, तो ये सब युवा हैं, युवा को कहा जाता है कि देश के भविष्य, और युवा क्या चाह रहे हैं? हम ऑटो चालक से बात किए, युवा से बात किए, पूर्णिया स्टेशन पे मौजूद हैं और पूर्णिया के युवा से हम बात किए। लोग कह रहे हैं कि ओनली वन पप्पू यादव, वन मैन आर्मी है पप्पू यादव, हर सुख हर दुख में पप्पू यादव साथ रहते हैं, चाहे किसी पर भी कोई आ जाए तो पप्पू यादव वहाँ पहुँचते हैं। बहरहाल जिस तरीके से हम युवाओं से बात किए हैं, यादव सब भी पप्पू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, मुसलमान भी पप्पू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल अपनी राय नीचे कमेंट कर दें, फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।